मैं किसी तो घट नहीं। हाँ जी विद्यार्थियों, मैं किसी तो घट नहीं कहानी एक अजिही लड़की की है जिसका नाम है रजनी। उम्र है जिसकी 11-12 साल। उसनू पोलियो की बीमारी सी जिसके करके उसदिया दोनों लत्तां नकारा सन, पर उसने कदे भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने स्कूल दे विच अजिहा बहादुरी भरिया कार्ज किया कि जिस करके उसकी चारों पासे तारीफ होनी शुरू हो गई। हाँ जी विद्यार्थियों, मैं किसी तो घट नहीं कहानी जो है तुहाडी साहित्यक रंग भाग 2 दे विच दर्ज जमा 10वीं का विषय है। विद्यार्थियों, मैं सतनाम सिंह तुहाडा पंजाबी दा अध्यापक, उम्मीद करता हाँ कि तुसीं घरां दे विच तंदुरुस्त हो अते अपनी पढ़ाई दे नाल जुड़े हो। विद्यार्थियों, तुहाडे सामने है मैं किसी तो घट नहीं साहित्यक रंग भाग 2 दे विच दर्ज डॉक्टर दर्शन सिंह आर्ट की लिखी हुई कहानी जो तुहाडी 10वीं जमात दे विच है। विद्यार्थियों, सारा लैसन पढ़न तो बाद मैं पैराग्राफ के अकॉर्डिंग पॉइंट्स इतने लिख दिते ने, तो उस की है वह भी हल्का जहा लिख दिता है। पूरे का पूरा पाठ नहीं पढ़ा, मैं थोड़ा घट समय के कोशिश करूँगा कि तुहाडी पूरी स्टोरी जी हैगी समझ आ जाए, क्योंकि इस रिवाइज सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंगली 1 नंबर के प्रश्न और 3 नंबर के प्रश्न आवेंगे, भाव 1 नंबर के 3 तो 4 प्रश्न और 3 नंबर के भी 2 प्रश्न ने, जिसके करके तुम कह सकते हो कि लगभग 9-10 नंबर इस वेटेज है। सो विद्यार्थियों, बिना समा वेस्ट किए हुआ असी अगे बढ़ते हैं, और मेरी कोशिश है कि तुम्हें 1 नंबर वाले सारे के सारे क्वेश्चन चाहे 20 बन 30 बन या 30-40 बन, वो सारे रिवाइज करवा देने हैं, बस ध्यान के नाल समझना। विद्यार्थियों, कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है रजनी। मुढ़ली जानकारी देकर आप गल करिए, और रजनी की उम्र है 11-12 साल। उसनू पोलियो की बीमारी सी जिस करके उसदिया दोनों लत्तां नकारा हो चुके सन, पर एक गल याद रखियो, उस लड़की दे विच उत्साह ठाठा मारता सी, उत्साहित सी, हिम्मत वाली सी, बहादुरी वाली सी, कदे भी जिहड़ी है पिछे नहीं रहना चाहती सी, हमेशा अगे वधना चाहती सी, जिस करके उन्हें अपने स्कूल दे विच भी कई अजिहे खेड मुकाबले सन जिन्हां दे विचों इनाम प्राप्त किए हुए सन। वह अपने ट्राई साइकल दे उत्ते 3 पहियां वाले ट्राई साइकल के उत्ते अपने पिंड तो स्कूल जाती होंगी सी। उसका स्कूल कितना किलोमीटर दूर सी? उसका स्कूल 3 किलोमीटर दूर सी। 3 पहियां वाले तो 3 किलोमीटर दूर स्कूल के उत्ते जाती सी अपने पिंड तो। तुसीं देख सकते हो कि वह कितनी उत्साहित और कितनी हिम्मत वाली लड़की सी। बच्चे कदे भी अपने स्कूल के विचों गैर हाजिर नहीं रहिंदी सी, कोशिश करती सी कि डेली जाए। जदों उसकी मम्मी उसनू कई बार मौसम खराब हो जाए, अपन भी कदे कई बार घर के कह दें मौसम खराब हो जाए, पर अपन है ना कई बार आप ही बहाने मारते, मम्मी ढिड दुखदा, मम्मी अज मौसम खराब है ना, पर वह रजनी उन्होंने पोलियो की बीमारी सी, देख लो उन्होंने पोलियो की बीमारी सी। जेकर उसनू उसकी मम्मी कहती सी कि बेटा अज छड तू रहन दे मौसम खराब है, तो वह की कहती होंगी सी कि मम्मी खराब मौसम में दी मैनू कोई परवाह नहीं हैगी। शायद तुहानू पता नहीं हैगा कि साडे स्कूल दे विच सलाना समागम दे विच हमेशा उन्हूं प्राइज दिता जांदा, इनाम दिता जांदा जिहदी हाजरी बहुत ज़्यादा होवे। मैं नहीं चाहती कि मेरा इनाम किसी होर नूं दिता जाए। तो इस दे नाल नाल उसके पापा जिहड़े हैगे आ, रजनी के पापा जिहड़े हैगे, वह भी उसदा साथ दिंदे सी, कहिंदे सी रजनी तू ठीक कह रही हाँ, जिसके करके दोनों हसते खेडते इवें करते करते रजनी अपने स्कूल नूं रवाना हो जाती ट्राई साइकिल के उत्ते, और 3 किलोमीटर उन्हों का स्कूल। स्कूल के ढा का बदला बच्चों, तुम जिमें जानते हो चाहे सौन का महीना हो या बारिश पैंती हो, खास करके उदों की होंगे है जोड़ा आस पास का घा वा, आस पास के दरखत है, आस पास के कुछ भी नहीं जिहड़े पौधे हो जाते हैं उन्होंने पानी पैण के करके पानी लग जाता है और घा जिहड़ा हैगा वध जाता। इस तरीके दे नाल रजनी दे स्कूल दे विच कमरे के पिछे बैक साइड से घा बहुत वड्डा हो गया सी, टाकियां दे बराबर बराबर आ गया सी, विंडो दे बराबर आ गया सी। इट मीनस उन्हों का जिहड़ा कमरा सी ग्राउंड फ्लोर ते सी, चाहे डायरैक्टली नहीं दस्सिया तां इनडायरैक्टली पता लग जाता। उन्हों का माली सी मोल, बेटा इतने ध्यान देना, छोटे छोटे क्वेश्चन नाल ही प्रिपेयर हो जाए। मीह बहुत पै गया सी, मीह बहुत पैण के करके कम स्कूल के आस पास जिहड़ा सी घा बहुत वध गया सी। माली जिहड़ा सी उहदा नाम सी मोहन, वह बीमार सी जिस करके घा नूं कट्टण का बंदोबस्त नहीं हो सकिया, जिसके करके रजनी दी इंचार्ज अध्यापक, रजनी का इंचार्ज अध्यापक जिसका नाम सी मोहन लाल, माली का नाम की सी कल्ला ही मोहन, अध्यापक का नाम श्री मोहन लाल, उन्होंने चिंता सी। की चिंता सी?
कि घा बहुत वड्डा हो गया, घा दे विच कोई ना कोई जहरीला जीव जंतु निकल के कितने आ ना जाए, नुकसान ना हो जाए। तुम्हें देखा होगा विद्यार्थियों के मीह वाले दिन सौन के महीने के देखा होगा कोई सप्प जिहड़ा है या कोई होर कीट पतंगा जिहड़ा है निकल के आते हैं, चाहे खुड्डां 'च पानी पै जाता उन्होंने या किसी ना किसी तरीके दे नाल उन्होंने लुकन लई जगह मिल जाती है, वह घर के भी आ जाते हैं। श्री मोहन लाल जी नूं अध्यापक जिहड़े इंचार्ज सी रजनी दे, उन्हां नूं बड़ी टेंशन हुंदी सी, डर हुंदा सी कि कितें अजिहा सप वगैरह कितने जमात के कमरे के ना आ जाए, कोई नुकसान ना कर दे। नैक्सट पॉइंट, जमात विच सप दा आउणा। जो श्री मोहन लाल जी ने सोचिया सी उही होया, कहिंदे जिहदा डर सी उही होया। की होया? अचानक की होया? एक दिन जदों बच्चे बाहर खेड रहे सन, जमात की घंटी बजी, हिंदी के पीरियड की घंटी बजी, सारे बच्चे आ गए बाहर, तो अंदर रजनी जिहड़ी सीगी अपनी सहेली पूजा दे नाल जमात दे विचकार मिड दे विच डेस्क ते बैठी हुई सी। उहदी सहेली दा नाम की सी? पूजा। पूजा दे नाल जमात दे विच बैठी हुई सी। सारे आके जदों जमात दे विच बैठ गए ते हिंदी वाले अध्यापक की उड़ीक कर रहे सी। किहदी उड़ीक कर रहे सी? हिंदी वाले अध्यापक की उड़ीक कर रहे सी। तां अचानक राहुल नाम का लड़का जिहड़ा जमात दे विच सब तो पहला, उन्हें की देखिया? डेस्क दे पिछे एक सप एन जिहड़ी डेस्क की लत है उन्हूं लपेट के बैठा होया सी। जदों उन्हें सप देखिया तां की हुंदा बेटा, जदों आपां अचानक देखते हैं आपां वी कहिंदे सप 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 सप, रौला पा दिता उन्हें। जिस रौला सुन के सारे बच्चे जिहड़े हैगे आ बाहर निकल गए, बाहर सारे निकल गए। सिर्फ रजनी जिहड़ी सीगी उह इन्नी जल्दी भज नहीं सकदी सी, जस्ट बिकॉज ऑफ तुहानूं पता कि पोलियो की बीमारी सी, निकल नहीं सकती सी। पूजा भी बाहर सी, सारे रौला पाउण लग गए, रजनी बाहर आ जा, रजनी बाहर आ जा। रजनी कल्ली ही अंदर सी, उह डेस्क दे उत्ते नहीं चढ़ सकती सी। बाहर सारे रौला पाउणा शुरू कर दिता। सप बच्चिओ 3 फुट लंबा सी, सप 3 फुट लंबा सी, 3 फुट तो भी ज़्यादा लंबा सी। सारिया ने बाहर जाके रौला पाउणा शुरू कर दिता। यह रौला जिहड़ा हैगा सुन के जिहड़ा हैगा सप जिहड़ा है इधर उधर दौड़न लग गया। तुसीं देखिया होगा जदों सप आ जांदा सारे आपां आस पास हो जांदे तां डर के इधर उधर भजदा। रौला सुन के बच्चिआं दा सप डर गया, इधर उधर भजन लग गया। काहदी उड़ीक 'च, काहदी भाल दे विच? उह खुड लभदा सी पर खुड नहीं लभ सकिया क्योंकि फर्श पक्का सी जमात दा, जमात दा फर्श पक्का होण करके उसनूं खुड नहीं लभी ते इधर उधर डर के भजन लगे। की कीता उस रजनी ने? रजनी ने घबराउण वाली कोई गल नहीं की, उन्हें दिमाग लाया, उन्हें की किया? अपना बैग आते पूजा का बैग दोनों उल्टा दिते, किताबा सुट्टियां ते बैग उहदे मूहरे मारिया। सप की पालदा सी खुड, जदों उन्हूं खाली बैग मिले तो वह जल्दी भज के जिहड़ा हैगा उस बैग दे विच वड़ गया। और जदों बैग दे विच वड़ गया सप तां भज के उन्हें हिम्मत दे नाल रजनी ने उहदा बैग बंद कर लिया ते सिर्फ उहदी पूछ जिहड़ी सीगी उह उपर दिखाई दे रही सी। सारे फिर भी रौला पा रहे सन। की होया? इहना रौला सुन के प्राणनाथ हैल्पर सेवादार जिहड़ा हैगा उह आ गया सोटी लै के। उह आ के बोलण लग्गिया, जदों उहने देखिया रजनी दे हत्थ दे विच सप तां हैरान हो गया। उह कहण लगा, कुड़ी खतरा बोलण ना लै, तूं ऐ कर इहनूं छुट दे, तूं डैस ते चढ़ जा, मैं इसनूं सोटी दे नाल ही मार दूंगा। तू ऐ कर, तू अपनी जान जिहड़ी हैगी उह खतरे च ना लै, तू फटाफट बैंच दे उत्ते चढ़ जा, फटाफट बैंच दे चढ़ जा, मैं इसनूं बैग च मार देंगा, छेती कर सप तैनूं डंग मार देगा। रजनी ने की आख्या? अंकल जी, सप हुण बैग चों बाहर नहीं निकलूंगा, ये किसी का नुकसान नहीं करूंगा, मैं इसनूं घुट के पकड़िया होया है, मैं इसनूं नहीं जान देवांगी। पर सप बैग दे विचों फुंकारे मार रहा सी, सप बैग चों फुंकारे मार रहा सी। रजनी बिल्कुल नहीं डर रही सी। जद नूं प्रिंसीपल साहिबान, ठीक है, उस दे नाल होर अध्यापक, चाहे वह साइंस वाले अध्यापक सी ते होर अने अदर कर्मचारी सी, वह भी रौला सुन के आवाज़ सुन के सारे दे सारे आ गए। बेटा जदों उन्होंने आके देखिया तां चौकीदार भी आ गए। चौकीदार ने आके की आख्या कि इसनूं जल्दी मार दिओ, इस सपनूं जल्दी मार दिओ, चौकीदार ने आके आख्या। पर रजनी ने यह गल सुन के की बोली? ना ना अंकल जी, इहनूं मारिओ ना प्लीज़, मैं इसनूं चंगे तरीके दे नाल फड़िया होया है, हुण किसी का नुकसान नहीं कर सकता। आपां की करदे आ, आपां इसनूं चिड़िया घर दे विच भेज दिंदे आ, जू दे विच भेज दिंदे आ, जिथे पशु पंछी जिहड़े हैगे संभाल के रखे जांदे ने, असीं इसनूं जू दे विच भेज दिंदे आ। इह गल सुन के बच्चिओ स्कूल दे प्रिंसीपल साहिब ने प्रशंसा कीती कि वाह रजनीए, वाह बेटी, वाह कुड़िए, तू तां बहुत सियाणिआं वाली गल कीती है, तू बहुत सियाणिआं वाली गल कीती है। इस तो बाद की होया कि प्राणनाथ ने
ਉਹ ਬੈਗ ਰਜਨੀ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆਘਰ ਭੇਜਣਾ ਬੇਟਾ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਜਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਰਜਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਰਜਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਵੇਂ 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ, ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਬਹਾਦਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਹਾਨੀ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਖੁਦ ਡੰਗ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸੱਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਇਆ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਇਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਵ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰਿਆ ਬਰੇਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਮ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾਈ, ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਜਨੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਨੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਜਨੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਜਨੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਬੇਜਾਨ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ, ਰਜਨੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਤ 'ਚੋਂ ਸੱਪ ਪਕੜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਮਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸਨੇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
विद्यार्थियों इस दे नाल संबंधित रिवाइज सिलेबस दे अकॉर्डिंगली एक नंबर वाले प्रश्न ते तीन नंबर वाले प्रश्न आउणगे। एक नंबर वाले प्रश्न जिहड़े हैगे उहनां दी मैं क्विक तुहाडी रिवीजन करवा दिंदा, किवें ध्यान देना। कहानी का नाम की है मैं किसी तो घट ने, किहड़ी किताब च साहित्यक रंग भाग दो, लिखी कि द्वारा डॉक्टर दर्शन सिंह आस्त जमात दसवीं। मेन करैक्टर का नाम की है रजनी, उसकी उम्र कितनी है 11-12 साल, वह कादे ते स्कूल जाती थी ट्राई साइकिल से, 3 पहिया वाले साइकिल से, उसका स्कूल कितना दूर से 3 किलोमीटर दूर। बेटा 3 क्वेश्चन ध्यान दो, ट्राई साइकिल 3 पहिया वाला 3 किलोमीटर दूर, तो सप्प कि लंबा सी 3 फुट तो ज़्यादा लंबा, ट्राई साइकिल 3 किलोमीटर दूर, सप्प 3 फुट तो ज़्यादा लंबा, तीनों क्वेश्चन पूछे हो गए। स्कूल च गैराज होंगी सी नहीं, कादी परवाह नहीं करती सी, खराब मौसम की परवाह नहीं करती सी। नैक्सट, स्कूल मीह करके की प्रॉब्लम हो गई सी, घा बहुत वड्डा हो गया सी, क्यों नहीं कट्टिया जा सकिया, क्योंकि माली बीमार सी। माली का नाम की सी मोहन, इंचार्ज का नाम की सी श्री मोहन लाल। श्री मोहन लाल जी की चिंता की सी कि घा वड्डा हो गया, इस दे विचों कोई जहरीला सप्प ना जहरीला जंतु ना आ जाए। सहेली का नाम की सी पूजा, सप्प नूं सब तो पहला किने देखिया, सप्प नूं सब तो पहला देखिया राहुल ने, राहुल नाम के लड़के ने सब तो पहला सप्प नूं देखिया, तो सप्प सप्प का नाम का रौला पाउणा शुरू कर दिता। रजनी ने सप्प किवें फड़िया, रजनी ने अपना ते पूजा का बैग सुट्टिया ते जिस च सप्प वल गया। कुड़ी खतरा मुल नाल है, तू इसनूं छड़ दे मैं इसनूं बैग च मार दिंदा वा, ये किने आख्या, प्राणनाथ ने। प्राण लैण बारे किने सोचिया, प्राणनाथ ने, प्राणनाथ नाम है ना, तो सप्प के प्राण लैण बारे किने सोचिया, प्राणनाथ ने। प्राणनाथ आउण सी सेवादार। सो अंकल जी नहीं इसनूं नहीं मारांगे, ये किसी का नुकसान नहीं करेगा, असीं इसनूं चिड़ियाघर छड्डे आवांगे, किसने आख्या, रजनी ने। रजनी बिल्कुल सही कह रही है सर, ये सही कह रही है, किसने आख्या, साइंस वाले अध्यापक ने। चिड़ियाघर के सप्प नूं कौन छड के आया, प्राणनाथ, असे उसके नाल एक दो बंदे होर सी जिहड़े कि सप्प नूं छड के आए। राष्ट्रपति बहादुरी का जिहड़ा अवार्ड सी, उह अवार्ड किसने कहा कि इसका नाम नामजद करांगे, चिड़ियाघर के मुख अफसर ने कहा कि जिहड़ा लड़की है रजनी इसका नाम बहादुरी अवार्ड विच राष्ट्रपति बहादुरी अवार्ड के लिए नामजद करांगा। रजनी को पुरस्कार सलाना समागम विच किसके हथ मिलिया, चिड़ियाघर के अफसर के कोलों। सो ये तुहाडे क्वेश्चन, इसनों चंगे तरीके नाल बेटा तुसीं स्क्रीनशॉट भी लै सकते हो, क्योंकि इस तो तुसीं ये मैं कुछ छोटे छोटे लाइन छोटे छोटे शब्द लिखते ताकि तुहानूं पूरी की पूरी कहानी के विचों पता चल जाए घट शब्दों के। अगर तुहाडा समय है तुसीं एक गल जरूर याद रखियो, वीडियो देखने तो बाद अपनी किताब जरूर पढ़ियो, वीडियो जेकर पूरी नहीं एक बार देखो चाहे दो बार देखो, ठीक है, जिन्नी बार देखोगे उन्नी बार ही तुहानूं फायदा है। बेटा जी इस वीडियो नूं रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही तैयार किया हुआ है, तुहाडे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी तुसीं अपने कोल इस तरीके से बना सकते हो। सो आपां नैक्सट वीडियो दे विच दोबारा फिर मिलते हैं, तद तक बेटा जी तुसीं अपना ध्यान रखो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, माता पिता का सत्कार करो, बजुर्गों का सत्कार करो, छोटिया नाल प्यार करो और लोड़वंद की मदद जरूर करो। आप मिलते हैं नैक्सट वीडियो, तद तक खुश रहो, धन्यवाद, गॉड ब्लैस। वीडियो नूं लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो और अपने दोस्तों मित्रों के नाल शेयर करो ताकि दूसरों का भी भला हो सके। मिलते हैं बेटा नैक्सट वीडियो तक, तद तक गॉड ब्लैस, खुश रहो।